नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में हम हमेशा से नए परिवर्तन और सुधार करते रहे हैं। सुधारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आपको हमारे मोबाइल कोर्स के माध्यम से अपने विषय के डाउट क्लियर करने का अवसर प्राप्त होगा। अब तक आपको हमारे मोबाइल कोर्स में 240 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो, 12 ऑनलाइन किताबें तथा प्रैक्टिस के लिए 3000 क्वेश्चंस मिल रहे थे। 15 मई 2020 से आपको इस कोर्स में प्रतिदिन एक नया वीडियो मिलेगा। यह नया वीडियो मोबाइल कोर्स परचेस करने वाले छात्रों के डाउट्स पर आधारित होगा। यदि आपने हमारा मोबाइल कोर्स परचेस किया हुआ है या आगे करने वाले हैं तो हम आपके प्रत्येक डाउट को अब यहां पर क्लियर करने वाले हैं। हम यह मानते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह नई पहल वीडियो देखने की प्रणाली में एक नया परिवर्तन लाएगी और वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आई निकत परवीन खान वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। आज का ये वीडियो मोबाइल कोर्स के हिस्ट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड एक डाउट सेशन वीडियो है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमने पिछले वीडियो में पॉलिटी के कुछ डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की थी और मैंने उसमें आपको बताया था कि जितने भी लोगों ने मोबाइल कोर्स को परचेस किया है, अब हमने उसमें ये फीचर ऐड किया है कि आपको वीडियो से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आते हैं आप वो सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और उनको वीकली आंसर किया जाएगा एक वीडियो के माध्यम से। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो डाउट्स हैं वो इमीडिएट भी क्लैरिफाई किए जा सके, उस पर वर्क अभी चल रहा है। फिलहाल आप में से जितने लोगों ने अभी तक इस फीचर के बारे में नहीं जाना है वो इस चीज़ को जान लें कि वी आर ट्राइंग टू मेक मोबाइल कोर्स मोर एंड मोर इंटरैक्टिव जस्ट टू गिव अ क्लासरूम फीलिंग टू दिस कोर्स। आप जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप अपनी आईडी पर लॉगिन करिए, कंपटीशन कम्युनिटी की वेबसाइट पर वीडियो लेक्चर देखिए, वहाँ पर डाउट आता है, डाउट फोरम लिंक दी गई है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को अपलोड करिए, वो सारे डाउट्स वीकली हर सब्जेक्ट के आपके क्लियर किए जाएंगे। तो आज का, जैसे कि मैंने कहा, ये हिस्ट्री का डाउट सेशन वीडियो, इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन पिछले वीक आए हैं हम उसे एक एक करके देखते हैं। 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम एक्चुअली सारे क्वेश्चंस लेंगे लेकिन हम मर्ज कर लेंगे अगर मान लीजिए कोई सिमिलर क्वेश्चन होता है तो। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच वाज आस्क्ड। फर्स्ट डाउट है वो दो स्टूडेंट्स ने पूछा है जो कि ब्रिटिश एरा में एजुकेशन से रिलेटेड प्लान से ऊपर है, और रिद्धि शर्मा और साकेत तिवारी दो स्टूडेंट्स ने ये सेम डाउट पूछा है। क्वेश्चन था व्हाट इज वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच क्या है, तो मैं एक दो लाइन में आपका ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश एरा में बहुत सारे ऐसे प्लान्स आए थे जो इंडिया में एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए लाए गए थे। इंडिया में एजुकेशन यानी शिक्षा के विकास के लिए ये जो प्लान्स, ये योजनाएं आई थी, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कि आपने सुना होगा हंटर आयोग का नाम, आपने सुना होगा सेडलर कमेटी का नाम, आपने हार्टोंग कमेटी का नाम सुना होगा, सार्जन कमेटी का नाम सुना होगा। ये सारे जो योजनाएं, कमिटीज़, कमीशंस थी, ये ब्रिटिश एरा में ही आई थी जिसमें किसी न किसी तरीके से एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रारूप था। उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लान था वो था वुड डिस्पैच। तो फर्स्टली डू रिमेंबर, वुड डिस्पैच इज एक्चुअली प्लान, एक योजना है जो कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए ब्रिटिश काल में आई थी। ठीक, कब आई थी? 1854 में। किसने लाई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उस समय के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक मेंबर थे जिनका नाम था चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने 1854 में एक शिक्षा से संबंधित योजना लाई थी जिसका नाम था वुड डिस्पैच। और सभी जानते हैं 1854 की बात है तो उस टाइम इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? यस, लॉर्ड डलहाउजी। लॉर्ड डलहाउजी के टाइम ये वुड डिस्पैच आता है। तो हम इसलिए जब लॉर्ड डलहाउजी के बारे में पढ़ते हैं तब उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उनके समय में शिक्षा की तरफ भी काफ़ी कुछ काम हुए थे। सो चार्ल्स वुड जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक मेंबर थे 1854 में, एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए उन्होंने ये योजना लाई वुड डिस्पैच, जिसे इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, एज यू ऑल नो, कि कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट या नेगोशिएशन या अग्रीमेंट होता था या होता है उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द ब्रिटिश डेमोक्रेसीज एस्टेब्लिशमेंट। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षा के विकास के क्षेत्र में एक योजना थी, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। और एक आध लाइन में बस इसे समझें कि इसकी बहुत सारी सिफारिशें थी जिसमें से जो प्रमुख थी, यानी जो थीम थी इसकी सिफारिश की, वो ये थी कि वुड डिस्पैच में ये कहा गया था कि जो यूरोपीय ज्ञान है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो पाश्चात्य ज्ञान है, उसे भारत में प्रमोट करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, लेकिन स्थानीय भाषा में, इन द वर्नेक्यूलर लैंग्वेज। मतलब ताकि आम से आम इंसान, जिसे इंग्लिश नहीं आती है, जिसे स्टैंडर्ड विदेशी लैंग्वेजेस नहीं आती, उस तक के भी वेस्टर्न एजुकेशन पहुंच सके, वो भी उसकी फैसिलिटी का लाभ उठा सके।
उस पर्टिकुलर पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए ये इसकी सिफारिश मेन थी कि लोकल लैंग्वेजेस में, स्थानीय भाषाओं में, देशी भाषाओं में हमें पाश्चात्य ज्ञान को भारतीयों में प्रमोट करना है, ये मेन थीम थी। आप जितने भी इसकी सिफारिशें पढ़ेंगे बुक्स में आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये इस थीम को आप पकड़ के रखें, हर पॉइंट्स में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। इस वजह से वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए बहुत सारे से स्कूल कॉलेजेस बनाए गए थे जो स्थानीय भाषाओं पर आधारित थे शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए। इसी पर्टिकुलर कमेटी की सिफारिश पर सन 1855 में लोक शिक्षा विभाग भी बनाया गया था, और उसके बाद फिर 1857 में आप सभी जानते हैं कि 3 विश्वविद्यालय भारत में बने थे, मद्रास में, बंगाल में और बम्बई में। ठीक है, तो बॉम्बे में, मद्रास में, बंगाल में हम सभी जानते हैं कि 3 यूनिवर्सिटीज़ बनी थी। लंदन यूनिवर्सिटीज़ की तर्ज पर वो बनाई गई थी। वो एक्चुअली वुड डिस्पैच की रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस थी, सिफारिशें थी, उसकी वजह से ही इस्टेब्लिश की गई थी इसी तर्ज पर, इसी थीम को लेते हुए। तो आप याद रखिएगा, वो तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के अस्तित्व में आने के पीछे मुख्य वजह वुड डिस्पैच की सिफारिश थी। इसका फोकस था वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में नॉलेज को, वेस्टर्न नॉलेज को इंडिया में प्रमोट करना। सो आई होप आई आंसर योर डाउट, आई क्लियर योर डाउट। और भी जितने आपके एजुकेशन से रिलेटेड योजनाएं उस समय आई थी, जितने भी आपके आयोग या समितियां बनी थी, उन पर भी एक नज़र आप डाल लें। अलग से मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी ऐसा पूछा जा सकता है। सो दैट इज इट विद द क्वेश्चन नंबर 1 विच वॉज आस्ड एज अ डाउट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट डाउट विच वॉज आस्ड। सेकेंड डाउट जो पूछा गया वो एक स्टूडेंट ने पूछा जिनका नाम है दीप्ति गुप्ता, और उनका ये क्वेश्चन था कि जैन धर्म में महाव्रत और अणुव्रत जो दो शब्दों का अक्सर पढ़ने में ये चीज़ें आती, ये वर्ड्स आते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। महाव्रत आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा, पर अणुव्रत थोड़ा सा नया टर्म है, या कहीं कहीं पे आपने पढ़ा होगा, कहीं नहीं। तो द क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो इसमें दीप्ति, मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादा आप कन्फ्यूज ना हो, एक्चुअली अणुव्रत महाव्रत ही है। जिनने भी जैन धर्म को पढ़ा है, जिन लोगों ने वो लेक्चर्स देखे हैं, जिन्होंने अपने से रीडिंग किया व्हाट्सोएवर, आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म की डॉक्ट्रिन्स जो हैं, जो शिक्षाएं हैं, उसमें पंच महाव्रत हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, पांच महाव्रत है, जिसमें से शुरू के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे और अंतिम जो है ब्रह्मचर्य ने सेलिबेसी, ये महावीर स्वामी ने दिया था। ये पंच महाव्रत जैन धर्म के अनुयायियों के लिए हैं, दीज आर 5 वाउज ऑफ जैनिज्म। तो ये जो पंच महाव्रत हैं उन्हीं को हम महाव्रत नॉर्मली बोलते हैं। ठीक, अणुव्रत जो है ये महाव्रत का ही एक लीनियंट फॉर्म है, ये याद रखिए। व्रत वाउस हैं, ठीक, वही 5 हैं, वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 ही हैं, बट ये लीनियंट है, इसकी कठोरता में रियायत दी गई है। ये महाव्रत जहाँ बहुत कठिन होते हैं, वहीं अणुव्रत थोड़े से सरल होते हैं, इनमें जो रूल रेगुलेशन है वो थोड़े से शिथिल होते हैं, थोड़े से रिलैक्सिंग होते हैं। दरअसल जैन धर्म के वो अनुयायी जो गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए ये 5 महाव्रतों का पालन उतनी स्ट्रिक्टली करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही व्यवस्था गृहस्थ जीवन जीने वाले जैन अनुयायियों के लिए रखी गई, वही 5 महाव्रतों की व्यवस्था, 5 व्रतों की व्यवस्था, और उसे कह दिया अणुव्रत। तो मैं एक लाइन में फिर दोहराती हूँ, वही 5 व्रत हैं, अगर आप उसे कठोर बोलेंगे तो वो महाव्रत कहलाते हैं, और वही अगर गृहस्थ जीवन वाले लोगों के लिए अगर उसे आप शिथिल बना दिए, मतलब उसे अगर ईजी बना दिया गया, तो वो अणुव्रत है। दैट इज़ इट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी वो 5 महाव्रतों का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने लेक्चर में दिया है ना, आई होप आपको वो 5 महाव्रतों का जो थीम है या जो उसकी उसका मतलब है वो क्लियर होगा। बाकी अगर कोई और डाउट आता है तो आप डाउट फोरम में क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Now let us move on to the third question which was asked. So जो third question है वो एक simple clarifying question, एक doubt पूछा है student ने जिनका नाम है अभिजीत रथ। उनका question है कि जो videos हमने upload किए हैं उसमें हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये एक सवाल है, doubt है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि हड़प्पा जो site है वो कौन से district में है, क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है, और वीडियो में जहाँ टेक्स्ट है वहाँ पे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। तो ही इज़ एक्चुअली कंफ्यूज्ड कि साहिवाल है कि मॉन्टगोमरी है। तो मैं आपको बता दूँ अभिजीत, दरअसल जो ओरिजिनली हम इसका नाम पढ़ते हैं हड़प्पा के डिस्ट्रिक्ट का, वो है मॉन्टगो। ब्रिटिश काल में जो पंजाब प्रोविंस था वहाँ पर एक हिस्सा था जिसे मॉन्टगोमरी करके एक ब्रिटिश जनरल थे उनके नाम पर रखा गया था, तो मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा थे। अब बाद में अब देखेंगे तो पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान का प्रेजेंट है, वही जगह जो पहले मॉन्टगोमरी टाउन था वही साहिवाल है। तो अगर ये दोनों ही नाम आपको दिखते हैं तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, अर्स्ट वाइल इट वॉज मॉन्टगोमरी, नाउ इट इज़ साहिवाल। इज़ दैट क्लियर? आई होप द डाउट इज़ क्लियर।
लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन जो अगला क्वेश्चन है वो भी अभिजीत रत्न ही पूछा है, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है. उनका क्वेश्चन है कि जो महावीर स्वामी का पहला उपदेश था, फर्स्ट सरमन था, वो उन्होंने कहाँ दिया था. शायद बोलने में कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा वीडियो में, कुछ डिस्प्ले में कन्फ्यूजन होगा, कुछ एरर हुई होगी. उनका ये क्वेश्चन था कि पावापुरी में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था या फिर उन्होंने राजगृह में दिया था. तो अभिजीत, इसको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ. महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था कैवल्य हासिल करने के बाद, वो उन्होंने विपुलाचला पर्वत राजगृह में किया था. याद रखिएगा, विपुलाचला पर्वत राजगृह. तो विपुलाचला पर्वत राजगृह में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे दिव्य ध्वनि भी कहा जाता है. हाँ, महावीर स्वामी को जो निर्वाण मिला था वो पावापुरी में मिला था. दरअसल कई बार इनमें कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि ये जो जगह है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. जो पावापुरी, इट इज़ ओनली 19 किलोमीटर्स फ्रॉम राजगृह, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इसलिए कई बार ये चीज़ें मिस प्रोनंस हो जाती हैं, मिस रीड हो जाती हैं, मिस इंटरप्रेटेड हो जाती हैं. तो इसमें आप कन्फ्यूज़ ना हो. अगर एकदम इंटैक्ट आपको एकदम एग्जैक्ट जानना है तो पर्वत का नाम याद रखें, राजगृह याद रखें, दिव्य ध्वनि बोला जाता है, पहला उपदेश था कैवल्य हासिल करने के बाद. आई होप दैट इज़ क्लियर. और कोई डाउट हो तो और पूछ सकते हैं. अगले डाउट पर मूव करते हैं. अगला जो डाउट है वो कुछ मिसिंग वीडियो से रिलेटेड है. दो तीन स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को नोटिफाई किया है. अभिजीत रथ, आयशा मेमन और चेतन सोनकर, इन तीनों को ये डाउट आया है हिस्ट्री में कि जो पूरी लेक्चर की सीरीज़ है उसमें राजपूत काल मिसिंग है और पोस्ट वैदिक एरा मिसिंग है. तो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहती हूँ पहले तो आप लोगों को कि जब हमने मिडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट किया है, मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट किया है, तो उसका जो पहला लेक्चर है जिसमें भारत में मुस्लिम आक्रमण से रिलेट करके हमने दिल्ली सल्तनत को शुरू किया है, तो उसमें मैंने राजपूत काल के एक बैकग्राउंड को बताया है, जिसमें मैंने जो इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं, जैसे आयशा मैम का कहना था कि जो मेन बैटल्स है उसे नहीं बताया गया है. जी, बताया गया है. जो मेन बैटल थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, बैटल ऑफ तराइन जो थी, दोनों ही बैटल्स उसमें डील की गई हैं. साथ ही बैटल ऑफ चंदावर भी डील की गई हैं. थोड़ा बहुत राजपूत काल के बारे में बताया भी गया है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं. दूसरा, जब हम वैदिक काल हमने एक्सप्लेन किया था, तब मैंने उसमें बताया था कि वैदिक काल के जो दो हिस्से हैं, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, उसमें जो पोस्ट वैदिक एरा है, उत्तर वैदिक एरा है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना ऋग्वैदिक एरा है. तो मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ वेदों के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें बताई थी और थोड़ा सा हाईलाइट बस बताया था, और ऋग्वैदिक एरा को ज़्यादा डिटेल में डील किया है. लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ आपको अधूरी लग रही है, तो हमने दो वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिए हैं, वो जो बहुत ही जल्द जल्द आपके जो मोबाइल कोर्स की सीरीज़ है उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे. दो सेपरेट वीडियोस आपकी वीडियोस में अपलोड किया जाएगा. एक राजपूत काल एक अलग से अपलोड होगा और दूसरा उत्तर वैदिक एरा. ये दोनों ही वीडियोस बन चुके हैं. अब नियर फ्यूचर में वो अपलोड भी आपके कोर्स में कर दिए जाएंगे. सो डू नॉट गेट वरीड, ठीक है? तो ये दोनों वीडियोज़ में आप टेंशन ना लें, वो अपलोड हो जाएंगे. सो हिस्ट्री के डाउट फोरम पे जो लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट डाउट आया था, वो मुगल काल से संबंधित था. नर्मदा सिंह स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, जिसमें उन्होंने एक वर्ड का उल्लेख किया था, महालेपबाकी. उनका ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ दिस, महालेपबाकी क्या है. तो नर्मदा, मैं आपको बता दूँ कि ये मुगल काल में जो जागीरदारी व्यवस्था है उससे संबंधित एक टर्म है. हम सब ने पढ़ा ही है कि मनसबदारी व्यवस्था अस्तित्व में थी मुगल कालीन शासन में. तो जब मनसबदारों को नकद वेतन की जगह पर किसी भू क्षेत्र के राजस्व को आवंटित कर दिया जाता था, तो उसी व्यवस्था को जागीरदारी व्यवस्था कहा जाता था. और जो जागीरें जिनको अलॉट की जाती थी उन्हें जागीरदार कहा जाता था. जागीरें जो हुआ करती थी उस समय में, वो कई प्रकार की हुआ करती थी, जैसे कि जागीर तनख्वाह, जैसे कि वतन जागीर, जैसे कि इनाम जागीर, जैसे कि मशरूत जागीर, ऐसी कई तरह की जागीरें हुआ करती थी. तो उन्हीं तरह की जागीरों में से एक प्रकार की जागीर महालेपबाकी है. दरअसल कई बार, क्योंकि हर एक जागीरदार को जब भूमि आवंटित की जाती थी, तो कोई ना कोई उसमें रूल रेगुलेशंस रहते थे कि आपको इन इन नियमों का पालन करना है, और नहीं करते थे तो उनको दंड दिया जाता था. तो कभी अगर किसी जागीरदार से दंड स्वरूप उसके जागीर को छीन लिया जाता था, नए जागीरदार को अलॉट करने के लिए, नए मनसबदार को अलॉट करने के लिए, तो वही छीनी हुई जागीर जिसे सुरक्षित किया जाता था नए इंसान को अलॉट करने के लिए, उसे ही महालेपबाकी कहा जाता है. एक बहुत ही डेप्थ में आपने क्वेश्चन पूछा है, सो मैं अप्रिशिएट करूँगी इस क्वेश्चन को. इसको ध्यान में, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा क्या कह रही हूँ मैं. ये वो सुरक्षित की हुई जागीर है जिसे दंड स्वरूप किसी एक जागीरदार से छीन कर दूसरे जागीरदार या मनसबदार को अलॉट करने के लिए रखा गया है, उसी तरह की जागीर को महालेपबाकी कहा जाता है. जागीरदारी व्यवस्था मुगल काल से संबंधित ये टर्म है. आई होप आपका ये क्वेश्चन का जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा.
सो दैट इज़ इट. इतने ही क्वेश्चंस हिस्ट्री के डाउट फोरम में पिछले वीक आए थे. आप में से जितने लोग मोबाइल कोर्स से जुड़े हुए हैं, आपके जितनी क्वेरीज आ रही हैं, आप बेझिझक डाउट फोरम में जाकर पूछिए. हम सारी क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे और जैसे कि मैंने कहा, उसकी फ़ौरन तौर पर आंसर करने की भी हम कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर बनाएंगे. और जितने लोग मोबाइल कोर्स से नहीं जुड़े हैं, आप सभी देख रहे हैं कि ये कितना इंटरैक्टिव कोर्स है. आप इसकी फ़ीचर्स जाकर देखिए और अगर आपको क्लासरूम स्टडी से बेटर कुछ चाहिए, इंटरैक्टिव स्टडी चाहिए, इंटरैक्टिव कोर्स चाहिए, तो आप मोबाइल कोर्स से ज़रूर जा करके जुड़ें. सो थैंक यू सो मच. दैट इज इट विद टुडेज सेशन. CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.